हेलो स्टूडेंट, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेल। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, आई होप सो। सो यस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस आमला। इट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, वी फाउंड इन दिस सीजन। एंड वन मोर यू कैन से फ्रूट और वेजिटेबल, मोस्टली आई यूज टू से फ्रूट एंड इट इज इन फ्रूट फॉर्म, ओके। बट यू कैन से वेजिटेबल्स, मोस्ट सम ऑफ द पीपल दे प्रिपेयर वेजिटेबल, इवन आई ऑल्सो प्रिपेयर वेजिटेबल। ये ऐसा फ्रूट है जो कि पानी में मिलता है, ठीक है, और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और वह इसी सीजन में मिलता है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव इट, ओके, मुझे बहुत पसंद है। हम पूरे साल हम वेट करते हैं इस सीजन का टू हैव दिस वन। और इस फ्रूट का नाम पता है आपको, व्हाट इज दिस? यस, द शेप ऑफ दिस वर्ड हार्ट, आप लोग बहुत बनाते हैं ना, एकदम हार्ट की तरह होता है इसका शेप, होता है ना? यस। सो ये जो है इसको आप क्या बोलते हैं, सिंघाड़ा कहते हैं ना, कई जगहों पे इसे पानी सिंघाड़ा भी कहते हैं, ठीक है, इसे सिंघाड़ा, पानी सिंघाड़ा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? यस, द नेम ऑफ दिस फ्रूट इज वाटर चेस्टनट। ये आप वाटर चेस्टनट मीन्स ये वाटर में मिलता है, चेस्ट मतलब नट का मतलब क्या होता है, ये बहुत क्या होता है, ऊपर देखते हैं ना, इसका कवर टाइट होता है, इसको तोड़ के निकालना ही पड़ता है, तोड़ के या कट करके। और इसके अंदर हार्ट किस टाइप का होता है, चेस्ट, ठीक है। तो यहाँ आप इसके सेफ से आप समझ सकते हैं कि यह किस किस में काम आता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इसके सेफ के बारे में बात करेंगे। ये सेफ क्या है, हार्ट का है, तो इसको खाने से हार्ट अटैक आने का रिस्क कम हो जाता है सबसे पहला, क्योंकि उसका सेप ऐसा है, तो हमने सोचा कि आपको पहले वही बता दो। तो ये हार्ट सेप पे है इसलिए हार्ट अटैक आने का रिस्क कम होता है, ठीक है। और इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, और यह लो कैलोरी भी होता है, ठीक है, और यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे कैंसर में भी, कैंसर के रिक्स भी कम होते हैं इससे, तो इसको खाने में आपको कोई नुकसान नहीं है। इसको हो सके, जैसे भी हो सके, आप सब्जी के रूप में इसे रॉ फॉर्म में भी खाते हैं। और पता है यह रेड कलर, इट मीन्स ये थोड़ा काला हो गया है, रेड होता है और ग्रीन कलर का, टू कलर्स के पाए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। और खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसको बॉइल करके खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, इसकी सब्जी बनाकर भी हम खा सकते हैं। इसे बॉइल करके अगर रख देते हैं तो बाद में ये फिर हार्ड हो जाता है, और मार्केट में तो इसका आटा भी मिलता है, इसका हलवा भी बनता है। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगे इसके बारे में। हमें तो बस ऐसे खाना पसंद था, बहुत बहुत ज्यादा ही हम इसे पसंद करते हैं, ठीक है। और यहाँ जब हम बनारस आए तो इसका आटा मिल रहा था, पहले नहीं पता था, हम लोग तो ऐसे ही रॉ खाते थे, ठीक। यहाँ आए तो पता चला कि इसका आटा भी मिलता है। तो मेरी सासू माँ जो थी, मेरी मदर इन लॉ, वो इसका हलवा खाती थी, जब भी फास्ट रहती थी तो इसका हलवा, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो पूरे फुल ऑफ एनर्जी रहती थी, उतना ही हलवा खाकर वो फुल ऑफ एनर्जी। हम सोचते थे ये हलवा खाकर कैसे कर लेती हैं, ठीक। बाद में मुझे इसके बेनिफिट, खाते तो वैसे ही थे, बट इसके बेनिफिट हम प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं, जो हमने रियलाइज किया, वही आपके सामने हम लेकर आते हैं कि इसे जरूर खाना चाहिए। ये फुल ऑफ एनर्जी, आप थोड़ा सा खाइए पूरे एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। और ये हमने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमने अपने सासू माँ पे देखा, और फिर जब हमने खाया प्रैक्टिकली, तो हमने भी यही पाया कि यह फुल ऑफ एनर्जी है। सो हम अपने बच्चों को मॉर्निंग में सबसे पहले यही दे देते हैं,
ताकि वह उनका भूख का लेवल कम रहेगा और फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। सुबह सुबह फुल ऑफ न्यूट्रिशन खाना चाहिए। लो कैलोरी भी है तो ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग जरूर खाइए बेटा और हेल्दी रहिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। और इस समय इसमें क्या है बता, एंटीऑक्सीडेंट, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी है और इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। तो हमें यह क्या होता है, हमारा जब न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज रहेगा तो हमें बीमारियां क्या होगी वहां, ये बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करेगा। जब हमारा बॉडी स्ट्रांग रहेगा तो आप कुछ भी हीट करें तो क्या होगा, उसे नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना। सो वैसे ही अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।